नमस्कार साथियों, मैं संदीप नोखवाल, आप सभी का स्वागत है। आज हम टेस्ट ड्राइव करने वाले हैं महिंद्रा XUV 400। आपने सुना होगा, काफ़ी एक साल का टाइम हो चुका है गाड़ी को आए हुए। तो अभी मैं मेरी गाड़ी में हूँ और कुछ ही देर में मेरे आगे आगे चल रही है, ये देख सकते हैं टेम्प्रेरी नंबर। कुछ आगे जाकर मैं इसका टेस्ट ड्राइव करने वाला हूँ और आफ्टर दैट हम इसका रिव्यू भी करेंगे। तो बने रहिएगा चैनल में, लाइक शेयर कीजिए, लास्ट तक वीडियो को देखिए कि टेस्ट ड्राइव के क्या मज़े आज हम लेने वाले हैं। बता भाई, फंक्शन बता थोड़ा। न्यूटन है सर, ये भी न्यूट्रल है। जैसे ब्रेक दबाओगे, ब्रेक दबा के साइड में ये बटन दबा के हम डी पे डालेंगे तो ड्राइव मोड स्टार्ट हो जाएगा। एक बार बैट लगा लो, डल गया बेल्ट, कोट का चक्कर मारो, ब्रेक दबा के डी। हेलो, बस और तो सिंपल फंड है, और तो कुछ है ही नहीं। इसमें तीन मोड्स होते हैं सर, जैसे ड्राइव के स्पोर्ट्स मोड, फन मोड है, और एक आपको फिर उसके बाद सेकंड अगर आप यहाँ प्रेस करोगे फास्ट आ जाते हैं, और एक फ्यूरियस आ जाते हैं। तो ये तीन मोड होते हैं सर, मोड्स में अलग अलग, जैसे हम ना अच्छे चला के पिकअप बढ़ जाता है, रेस भी बढ़ जाती है सर। फन मोड मोस्टली क्या है, आप ये आपको वन टाइम चार्ज में आपको 305 से 310 आराम से निकाल देते हैं सर। बाकी अगर हम और अच्छे से ड्राइव कर रहे हैं, नॉर्मल ड्राइव कर रहे हैं, तो भी इनहेंस हो जाती है एवरेज। इसमें स्टार्ट स्टॉप बटन आ गया आपका, स्टेयरिंग पे सारे कंट्रोल आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा म्यूजिक सिस्टम वगैरह। क्लेम रेंज कितनी है? क्लेम रेंज कैसे, मतलब अगर गाड़ी फास्ट चले, 100-120 चलाए तो कितना सर, सारा का सारा देखो, अभी जो हम कस्टमर रिव्यूज ही बताते हैं, जैसे कंपनी तो इसकी बोलती है कि 350-400 आपके नॉर्मल है, कस्टमर रिव्यूज ही होते हैं। अब जैसे नॉर्मल ड्राइव पे हम बताते हैं कि इसमें आपको दे देती है 300-310-315 ऐसे करके, मतलब हो जाती है। हेलो हेलो, हाँ जी बिल्कुल बढ़िया, आप बताओ। मैं कराता हूँ, मैं एक बार कस्टमर के साथ में। स्पोर्ट्स मोड करिए इसका, ये आपका सर पहले फन से फास्ट आएगा, फास्ट से ये फिर ये सर फिर इसमें फिर रेंज कम हो जाएगी। हाँ, इसमें रेंज कम हो जाएगी सर। देखा आपने 100-170 की रेंज बनाया, मोस्टली तो हम फन मोड पे चलाएंगे ना, तो काफी अच्छी हम इससे बोल सकते हैं। तो जैसे कि इसका जो बेस वेरिएंट होता है, बेस वेरिएंट में क्या-क्या मिलता है हमें? बेस तो आ ही नहीं रहा सर। अच्छा, ये टॉप मॉडल ही आ रहा है, यही एक मॉडल आता है, इसमें दो आते हैं, एक ड्यूल टोन में आ जाता है और एक नॉर्मल सनरूफ वगैरह है। हां, सनरूफ वगैरह है, ड्यूल टोन में ऊपर छत होगी ना, उसका कलर अलग होगा। आगे और चेंजेस भी करेंगे क्या? नहीं, अभी तो इसमें 400 में कोई चेंज नहीं आएगा सर। इसमें वही है, आपको जैसे आप देखोगे ना, स्कीम वगैरह अच्छी आई है, 270,000 वो हो गया, आरसी पे रिबेट आया हुआ 75% का, और उसके अलावा जो थोड़ा बहुत होगा वो भी देख लेंगे सर, करा देंगे। सीधा सीधा सर 370 तो इसमें ये हो गया सर, 270 की कंपनी स्कीम और 1,00,000 रुपये का आरसी रिबेट हो गया सर। 21 लाख की गाड़ी, 21-21 लाख की गाड़ी आपको लगभग मोटा मोटी आइडिया है 17.5-18 के बीच में पड़ जाते हैं। कितने बजे वो कभी चेक नहीं किया सर, हर बार चेक करने में चार पुलिस के हैं। सेफ्टी वाइज गाड़ी बहुत जबरदस्त है सर, 130 तो आपको मिली वाली रोड में, रोड देने लग जाएगी, रोड मिलेगा तभी बच जाएगी गाड़ी। तो स्पीड चेक नहीं करी इसकी? हमने कभी चेक नहीं किया। ये सर नॉर्मल आराम से चलाने वाली गाड़ी है। बजाने का टाइम जेनू कौन बजावा है? देखो जो अगर हम बैटरी वाली की बात करें ना सर, इन गाड़ियों में क्या होता है, इनमें ये है कि हाँ, जिन्होंने लोकली चलना हो ना वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। यहाँ कैसे कटनी है उधर देखना पुल पे मैं
करते हैं मेरे को, हम तो फिर आगे जाएंगे ना। अच्छा ना, वापिस नहीं जाएंगे, स्पीड और चेक कर लिया बस। टाटा नेक्सन वाला थोड़ा लुक बढ़िया निकाल दिया मैंने गाड़ी का। लुक्स तो हैं सर, फिर जैसे अगर आप जान देखोगे और सारी चीजें देखोगे ना, चारों डिस्क देखोगे आपको इसके अंदर चारों डिस्क मिल रही हैं। अंडर 4 मीटर है ये, 4.2 है, बूट स्पेस ज्यादा मिलेगा सर उससे, ठीक है। उसके बाद वारंटी अच्छी मिल रही है सर, 8 ईयर 160,000 किलोमीटर की वारंटी मिल रही है। बैटरी की वारंटी कितनी होती है? 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर। 1,60,000 मतलब 75% हेल्थ होनी चाहिए। कितनी हेल्थ क्लेम करती है? जैसे गाड़ी चलेगी बैटरी की हेल्थ तो कम होगी धीरे धीरे। हाँ वो तो होगी। हाँ तो बैटरी क्लेम के लिए कितनी हेल्थ होनी चाहिए? 75 8 साल से पहले अगर इशू आ रहा है कुछ, 8 साल किलोमीटर और कोई दो ही चीजें होती है सर कुछ। नहीं नहीं, कई बार जैसे हमने नई गाड़ी ली उसकी रेंज है जैसे अभी चलती फिलहाल 300 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर चलने के बाद वो गाड़ी चलने लगी हमारी 200 किलोमीटर, जो तो ऐसे ऐसे बैटरी हेल्थ कम हो गई, तो वो चीज़ पूछ रहा हूँ। इसका मैं कंफर्म कर दूंगा सर आपको, एक बार पूछिए। तो मैंने पूछा नहीं है सर। ब्रेक दबा दे एक बार। चलो ठीक है, थैंक यू भाई। ठीक है सर, एक ना आपके पास लिंक वगैरह आया वो देख लूंगा मैं, वो मुझे फॉरवर्ड कर देना सर। ठीक है, या आप उसमें कर देना सर, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, खुद कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, वो पता है भाई, मैं कर दूंगा, वो थोड़ा सा हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो थैंक यू, धन्यवाद भाई। आगे तुम निकल जाओ, ये थी महिंद्रा एक्सयू 400 जो आपको काफ़ी बेहतरीन लगी। टेस्ट ड्राइव हमने किया, गाड़ी बजाकर भी हमने देखी और सब कुछ हमने टेस्ट किया, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस जो है गाड़ी का था देखने को मिला। गाड़ी दमदार है, 4 डिस्क ब्रेक है, हर चीज़ काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है आपको, जो गाड़ी को काफ़ी बेहतरीन बनाती है। ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी मेरे को, तो इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। बने रहिए, नई प्रोफाइल के साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद।